नमस्कार, हमारे खास पेशकश में आपका स्वागत है। लगातार लोकसभा चुनाव को लेकर एक तरफ मतदान की प्रक्रिया चल रही है, वहीं दूसरी तरफ आगामी जो चरण होने उसे लेकर प्रचार भी चल रहा है। इस बीच कई तरह के बयान भी सामने आ रहे हैं, केजरीवाल जेल से बाहर आ गए हैं। तो लोकसभा चुनावों के बीच हर पार्टी जोरों शोरों से चुनाव प्रचार में जुटी है और इस बीच नेताओं के बीच वार पलटवार का दौर भी तेजी से जारी है। पहले रिपोर्ट दिखाते फिर उस पर बात करेंगे। लोकसभा चुनाव प्रचार के बीच सियासी बयानबाजियों का दौर भी जारी है। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने अपनी रैली के दौरान बीजेपी पर जमकर निशाना साधा और पीएम मोदी की उम्र का जिक्र करते हुए भारतीय जनता पार्टी के पीएम के चेहरे पर ही सवालिया निशान खड़ा कर दिया। मैं अरविंद केजरीवाल एंड कंपनी और पूरे इंडिया अलायंस को कहना चाहता हूँ, मोदी जी 75 साल के हो जाए इससे आपको आनंदित होने की जरूरत नहीं है। ये भारतीय जनता पार्टी के संविधान में कहीं नहीं लिखा है। मोदी जी ही ये टर्म पूरी करेंगे और मोदी जी ही आगे देश का नेतृत्व करते रहेंगे, इसमें भारतीय जनता पार्टी में कोई कंफ्यूजन नहीं है। ये कंफ्यूजन खड़ा कर केजरीवाल के सवालों पर पलटवार करते हुए केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि आपको इसकी चिंता करने की जरूरत नहीं है। मोदी जी अगले साल 17 सितंबर को 75 साल के हो रहे हैं। बीजेपी के अंदर मोदी जी ने 2014 में मोदी जी ने खुद ने रूल बनाया था कि बीजेपी के अंदर जो भी 75 साल का होगा उसको रिटायर कर दिया जाएगा। सबसे पहले आडवाणी जी को रिटायर किया गया, उसके बाद मुरली मनोहर जोशी जी को रिटायर किया गया, फिर सुमित्रा महाजन को रिटायर किया गया, फिर यशवंत सिन्हा को रिटायर किया गया। अब मोदी जी अगले साल 17 सितंबर को रिटायर होने वाले हैं। तो मैं बीजेपी से पूछना चाहता हूं, आपका प्रधानमंत्री का दावेदार कौन है? दोस्तों, अगले साल 17 सितंबर तक अगर इनकी सरकार बनी तो उस पर भी आऊंगा मैं, अगर इनकी सरकार बनी तो पहले अगले 2 महीने में योगी जी को निपटाएंगे ये, और उसके बाद मोदी जी के सबसे खास अमित शाह को ये प्रधानमंत्री बनाएंगे। लोकसभा चुनावों के बीच वार पलटवार का दौर भी जारी है। अब ऐसे में देखना होगा कि इस तरह की बयानबाजियां जनता पर किस तरह का असर डालती है। ब्यूरो रिपोर्ट, हरियाणा न्यूज। तो केजरीवाल जेल से बाहर आए और सबसे पहले निशाना उन्होंने अमित शाह, योगी और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर साधा है। अब इसे आम आदमी पार्टी बीजेपी किस तरह से देख रही है और कांग्रेस का इस पर क्या कुछ कहना है, ज्यादा जानकारी के लिए बात करेंगे। विजेंद्र नेहरा जी बीजेपी के प्रवक्ता हमारे साथ जुड़ गए हैं, बजरंग दास गर्ग हमारे साथ कांग्रेस की तरफ से जुड़े हुए हैं, सुमित हिंदुस्तानी जो आम आदमी पार्टी प्रवक्ता हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सबसे पहले तो विजेंद्र जी, मैं आपके पास ही आना चाहूंगी। अरविंद केजरीवाल का बयान आपने सुना होगा, जैसे ही जेल से बाहर आए हैं उन्होंने निशाना साध दिया है यहाँ पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर, अमित शाह पर, योगी पर, क्या कुछ कहेंगे इस पर? देखिए राजश्री जी, माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने अपने जीवन में जब से भी चुनाव लड़ने शुरू किए हैं तब से लेके आज तक कभी कोई चुनाव हारा नहीं है। उन्होंने हमेशा जीतना सीखा है, भाजपा को जिताना सीखा है। पहले लगातार 3 बार गुजरात के मुख्यमंत्री रहे, अब 2 बार देश के प्रधानमंत्री रहे हैं और तीसरी बार जनता जनार्दन और कार्यकर्ताओं की मेहनत से तीसरी बार 2024 में माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी फिर से देश के लोकप्रिय नेता सबसे प्रचंड बहुमत के साथ में तीसरी बार प्रधानमंत्री बनेंगे। जनता ये मन बना चुकी है। और देखिए, जहां तक केजरीवाल जी का विषय है, केजरीवाल जी जब से बनारस में माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के सामने चुनाव लड़के अपनी जमानत जब्त करा के आए हैं तब से उनका मानसिक संतुलन खत्म हो गया है, खराब हो गया है, कुछ भी अनाप शनाप बोलने लगते हैं। उन्होंने 75 साल का जिक्र किया है उसे लेकर क्या कुछ कहेंगे? ठीक है, हालांकि अमित शाह ने इस पर जवाब दे भी दिया कि बीजेपी के संविधान में ऐसा कुछ नहीं है, लेकिन पुराने रिकॉर्ड रहे नेहरा जी, आपको भी पता होगा कि बहुत सारे जो दिग्गज पुराने नेता रहे हैं जिन्होंने 75 साल की उम्र को के तक आते आते मेन स्ट्रीम छोड़ दिया, लालकृष्ण आडवाणी जैसे बड़े नाम है उसमें।
मैडम राजश्री जी, माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी आज भी 24 में से 18 से 20 घंटे काम करते हैं और आज भी वो एक युवा है, आज भी युवा है और आने वाले 2029 के बाद भी वो देश का नेतृत्व करते रहेंगे। और जहां तक केजरीवाल जी का विषय है, इतनी बार जमानत जब्त हुई है, हरियाणा में आज तक कभी जमानत बची नहीं है, दारू घोटाले में जेल में थे, 21 दिन के लिए बाहर आए, 2 तारीख को दोबारा जेल में चले जाएंगे, तो कुछ भी अनाप बोलते रहते। आदमी जब जेल में होता है, हर चुनाव में जमानत जब्त होती है तो थोड़ा मानसिक संतुलन गड़बड़ा जाता है। अब उनको पता है बेइज्जती होगी फिर से, दो बार 2024 ये दारू वाली पार्टी हरियाणा में क्या अस्तित्व है? मायावती को भी ज्यादा वोट मिलती है इनसे, कौन है दारू वाली पार्टी हरियाणा में, क्या अस्तित्व है इनका? देखिए हर चुनाव के अंदर इनकी जमानत जब्त होती, जनता इनको गंभीरता से नहीं लेती, तो हम क्यों जब गंभीरता से लेंगे इनको? देखिए मैं आपको वही बताना चाह रहा हूँ कि इतनी बार जमानत जब्त हुई है, नोटा से भी कम वोट इनको मिलती है, तो जनता गंभीरता से जिस पार्टी को नहीं लेती हो, उस पार्टी को भारतीय जनता पार्टी गंभीरता से क्यों लेगी? और माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को जनता चुनती है, 3 बार गुजरात के मुख्यमंत्री, 2 बार देश के प्रधानमंत्री और 3री बार 4 तारीख को मैं दावे के साथ आपको पूर्ण विश्वास के साथ कह सकता हूँ कि 4 जून को जब नतीजे आएंगे तो ये विपक्ष के लोग ईवीएम को दोष देंगे, मीडिया को दोष देंगे। ठीक है, भारतीय जनता पार्टी आप अगर केजरीवाल का बयान बहुत ध्यान से सुनेंगे, मैं वही पॉइंट बताना चाह रही थी, आप बात कंप्लीट करवाते, आप केजरीवाल का बयान सुनिए जिसमें केजरीवाल ये कह रहे हैं कि दोबारा सरकार बनेगी। एक मिनट नेहरा जी, अगर दोबारा सरकार बनेगी, यानी कि वो तो खुद कह रहे हैं कि सरकार बनेगी, मैं वही पॉइंट पे तो आ रही हूँ, आपको ही मैं बताना चाह रही हूँ कि केजरीवाल कह रहे हैं दोबारा सरकार बनेगी तो आप लोग योगी जी को निपटा देंगे, मतलब वो खुद केजरीवाल कह रहे हैं कि सरकार बनेगी। देखिए भारतीय जनता पार्टी के अंदर कोई संगठन में काम करता है, कोई सरकार में काम करता है, कौन मुख्यमंत्री बनेगा, कौन कार्यकर्ता बनकर काम करेगा, ये तो हमें तय करना है। केजरीवाल जी को जवाब देना चाहिए कि आपको जेल जाने के बाद एक भी विधायकों में से ऐसा व्यक्ति नहीं मिला जो आपके कामकाज को संभाले। ठीक है, सुमित जी से इस पर जवाब लेंगे। हाँ, बजरंग जी हमारे साथ जुड़े, उनसे बातचीत कर लेते हैं। मैडम 10 सेकंड में कंप्लीट कर रहा हूँ मैडम। आपको अपनी पत्नी को अपने सर्वे सर्वा अपने बाद में बना दिया, भ्रष्टाचारी तो आप पहले ही थे, चोर और भ्रष्टाचारी पहले थे, परिवारवाद में भी आप आ गए, अपने अपनी पत्नी को जिम्मेदारी दे दी, क्या पद था इनकी पत्नी के पास में जो इन्होंने प्रचार का अभियान दिया? और ये दारू वाली पार्टी में घोटाला करके कुछ दिन के लिए बाहर है, दोबारा इनको अंदर। बजरंग जी क्या कुछ कहेंगे, हरियाणा में तो मिलकर चुनाव लड़ रहे हैं, केजरीवाल बाहर आ गए हैं, इस तरह का बयान उन्होंने दिया, 75 साल का जिक्र करते हुए नजर आ रहे हैं। हालांकि अभी नेहरा जी कह रहे हैं कि अभी तो प्रधानमंत्री युवा है, 24 घंटे वो दिन रात लगाकर काम करते रहते हैं। बजरंग जी युवा नहीं, वो 20 साल के लड़के हैं। हेलो, बिल्कुल सही कह रहे हैं, मेरी आवाज आ रही है? ठीक है बजरंग जी, मैं कह रहा हूँ विजेंद्र भाई कह रहे हैं ना युवा है, युवा नहीं, नव युवक है मोदी जी, 20 साल के नव युवक है वो है। मैं एक बात बताना चाहता हूँ, आज इनकी हालात क्या है, मोदी जी की जो बात कर रहे हैं अभी 75 साल हो गए रिटायर होने वाले हैं, वो इनका इंटरनली मामला है, मगर एक बात जरूर कहता हूं, जनता तैयार बैठी है इनको रिटायर करेगी, वोट की चोट से मोदी जी को घर बिठाने का काम जनता करेगी, यहां तक कि जनता मन बना चुकी है, जनता मन क्या है, जनता मन ये है भारतीय जनता पार्टी को हटाओ, देश को बचाओ, भाजपा बकाओ, इंडिया गठबंधन लाओ, ये आज पूरे देश के अंदर हवा चल रही है। मैं पूछना चाहता हूँ किस बात की वोट मांग रही है ये, किस बात का राइट है वोट मांगने का? इन्होंने किसानों को पीट रहा काम किया, छात्रों को दुड़ा दुड़ा कर पीट रहे काम किया, चुने हुए सरपंचों को पीट रहे काम किया, हमारी माता बहने आंगनबाड़ी की उनका दुड़ा दुड़ा कर पीट रहे का काम किया, 750 किसान इनके राज में शहीद हो गए, आज कहते हैं हमें वोट चाहिए। मैं बता क्या गारंटी, बार बार मोदी मोदी मोदी, और कोई मुद्दा नहीं है, मोदी या मंदिर कोई मुद्दे की बात आज तक इन्होंने नहीं की, ना महंगाई की बात करी, ना बेरोजगारी की बात करी, ना खराब कानून व्यवस्था की बात करी। जनता इनसे पूछती है हमारा क्या कसूर है, ये कहते हैं हमारी मोदी की गारंटी है, क्या गारंटी है तुम्हारी, 2 करोड़ युवाओं को नौकरी देने का वायदा किया था,
नौकरी छीनने का काम किया देने के बजाय, आपने पेट्रोल 35 रुपए लीटर देने का वायदा किया 800 रुपए कर दिया, आपने 250 रुपए रसोई गैस सिलेंडर देने का वायदा किया 800 रसोई गैस सिलेंडर 900 पार कर दिया, आपने कहा था किसान की आय दोगुना कर देंगे मगर खर्चा जरूर आपने दोगुना कर दिया। आज हालात क्या है, आपने कहा 15-15 लाख रुपए खाते में चले जाएंगे। ठीक है बजरंग जी, लेकिन क्या बोलता है हाँ। वो तो एक भारतीय जनता पर। बजरंग जी केजरीवाल के बयान पर आइए, 75 साल के बाद जी 75 साल की बात वो कर रहे हैं, वो बाहर जैसे आए उन्होंने पुराने नेताओं का उदाहरण दिया है, आडवाणी है, मुरली मनोहर जोशी है, उसमें यशवंत सिन्हा है, जसवंत सिंह है, सुमित्रा महाजन है, आनंदीबेन पटेल है, ये तमाम लोग 75 की उम्र के बाद मेन स्ट्रीम राजनीति से हट गए। तो बीजेपी ने, हालांकि बीजेपी के संविधान में नियम नहीं है, लेकिन कुछ सीनियर नेताओं ने इसे नियम माना और वो धीरे धीरे हटते चले गए। तो जो बयान यहाँ पर दिया है केजरीवाल ने, हाँ जी, ये नियम की बात नहीं होती। एक पार्टी हाई कमान, एक कोर कमेटी फैसला ले लेती है कि 75 साल के बाद हमारे नेता रिटायर होंगे, उनको हम संरक्षक बनाएंगे या सलाहकार मंडल में डालेंगे, ऐसे इन्होंने फैसला लिया हुआ है। जितने सीनियर नेता का जो आपने केजरीवाल जी ने नाम लिया, लाल किशन अडवाणी जैसे नेताओं को खुड्डा लगाने काम किया, ये हकीकत बात है। अमित शाह जी ने कहा ना हमारा कोई ऐसा फैसला नहीं है, फैसला सिर्फ इनका क्या होता है वो और नेताओं पे लागू होता है, मोदी और अमित शाह पे नहीं होता। भारतीय जनता पार्टी दो व्यक्ति की पार्टी है, मोदी अमित शाह। ये तो बीजेपी भी कहती है कि कांग्रेस तो गांधी परिवार की पार्टी है। हाँ, ये तो बीजेपी भी कहती है कि कांग्रेस तो गांधी परिवार की पार्टी आपके है। आपके सामने आपने बड़ा अच्छा सवाल किया। आज हमारा राष्ट्रीय अध्यक्ष खड़गे जी है, हर फैसला हर बात का जवाब कौन देता है, खड़गे जी देते हैं, खुले मंच में देते हैं, दलित नेता है आपके सामने। और एक बात कहता हूँ, इनकी बातों में पूरे चुनाव के अंदर एक बार भी मुद्दे की बात मोदी जी ने नहीं की। ठीक है, मन की बात करते हैं। चलिए ठीक है, सुमित जी भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सुमित जी, मैं आपके पास आना चाहूंगी। अरविंद केजरीवाल का बयान आपने सुना होगा, वहां पर वो जिस तरह से बयान दे रहे हैं, उन्होंने कहा कि अगर सरकार आती है तो योगी जी निपटा दिए जाएंगे। क्या केजरीवाल मान गए कि सरकार आएगी? वहीं दूसरी तरफ उन्होंने जिस तरह का बयान दिया है, आते ही उन्होंने मोदी को टारगेट किया है, तो क्या इंडी गठबंधन मोदी से डर रही है कहीं ना कहीं? देखिए, सबसे पहले तो आप सभी जी, मैं एक चीज कहना चाहता हूँ, अरविंद केजरीवाल जी ने जो बात कही है ये बिल्कुल सच बात कही है, जिससे भारतीय जनता पार्टी पूरी की पूरी बौखला चुकी है। आपको मेरी आवाज आ रही है? बिल्कुल आ रही है सर। भारतीय जनता पार्टी इस बयान से पूरी बौखला चुकी है, क्योंकि अरविंद केजरीवाल जी ने भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के मन की बात जो थी, क्योंकि ये बात खट्टर साहब के भी मन में चल रही थी कि यार मैंने ऐसी क्या गलती कर दी, मुझे हरियाणा के मुख्यमंत्री पद से हटा दिया, जबकि एक दिन पहले तो मोदी जी मेरे काम को इतना अच्छा बता रहे थे गुरुग्राम की धरती पे जाकर। यही डर, यही जो चीज करी वसुंधरा राजे जी के साथ करी, यही चीज शिवराज सिंह चौहान जी के साथ करी, इनका चेहरा दिखाकर इन लोगों ने वहां के प्रदेश के लोगों से वोट तो ली, लेकिन प्रदेश का नेतृत्व बदल दिया। और अरविंद केजरीवाल जी ने बिल्कुल सच बोला है, योगी आदित्यनाथ जी का भी चेहरा बदलेंगे ये उत्तर प्रदेश के अंदर, क्योंकि अरविंद केजरीवाल जी जो बोलते हैं वो तथ्यों के आधार पर बोलते हैं। ये भारतीय जनता पार्टी का तो रूल था ना कि 75 वर्ष की आयु के बाद हम उनको मार्गदर्शक मंडल में डाल देंगे, तो मुझे बताइए नरेंद्र मोदी जी 17 सितंबर के बाद कौन से मार्गदर्शन मंडल में बैठेंगे? और ये बात करते हैं, मैं नेहरा साहब की बात सुन रहा था, ये शराब की बात कर रहे थे, पता नहीं क्या क्या ये अनाप शनाप सब यूज कर रहे थे। ठीक है सुमित जी, वो एक ब्लिंक की आवाज आ रही है, वो थोड़ा ठीक कर लीजिए प्लीज, आपसे रिक्वेस्ट है। उससे पहले नेहरा जी से मैं जवाब ले लेती हूँ, फिर मैं आपके पास दोबारा आ रही हूँ सर। देखिए मैडम, जी 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 जी, देखिए मैडम एक बात बड़ी सीधी है राजनीति जी की, मोदी नाम का डंका जो आज पूरी दुनिया में बज रहा है, भारत में बज रहा है, ये जो विपक्षी पार्टियां हैं, ये राहुल जी हैं, केजरीवाल जी हैं, ये सब लोग बड़े डरते हैं मोदी से, घबराते हैं, सर सर कांपते हैं, और इसलिए भगवान से दुआ करते हैं कि भगवान किसी तरह मोदी जी थोड़ा हटे साइड हो, क्योंकि इनको पता है कि मोदी जी के रहते किसी का कोई नंबर आना नहीं है, देश की जनता को पूरा विश्वास है मोदी जी के ऊपर, और मोदी जी भी एक युवा की तरह देश की जनता की सेवा में दिन रात खपे हुए लगे हुए हैं।
भारत का मान सम्मान पूरी दुनिया में बढ़ाने का काम किया। और यही कारण है कि खुद केजरीवाल जो एक विरोध में काम करने वाले व्यक्ति हैं, वो ये मान रहे हैं खुले मन से कि तीसरी बार बीजेपी सरकार बन रही है। ठीक है, अभी सुमित जी ने एक सवाल उठाया था जिसमें उन्होंने मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री का जिक्र किया है, आनंदीबेन पटेल का जिक्र किया है, आडवाणी जी का जिक्र किया है, छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्यमंत्री रमन सिंह का जिक्र किया है। मैडम देखिए, किरण बेदी, कुमार विश्वास, प्रशांत भूषण और योगेंद्र यादव, पता नहीं कितने लोग इनके जो एंकर बन के आते थे, बस कितने लोगों को ठिकाने लगा दिया केजरीवाल ने। एक नेता के ऊपर विश्वास नहीं है, अपनी पत्नी को जेल में जाने के बाद सर्वे सर्वा बना दिया। तो ऐसे व्यक्ति को जो बीवी बच्चों की कसम खाता था कांग्रेस से गठबंधन नहीं करूंगा, आज उनकी ठीक है सुमित जी से जवाब ले लेते हैं। पल्ले नहीं है मैडम, सुनिए, जिसके पल्ले नहीं है दाने अम्मा कभी बनाने तुम्हारे पाँव में नीचे जमीन नहीं। और कमाल है कि तुम्हें यकीन नहीं, जिसके आज तक हरियाणा में जमानत नहीं दी। ये चक्की पिसिंग वाला किसने बोला था? घर घर गए थे इनका। ये चक्की पिसिंग वाला किसने बोला था? छोटा सा भी कमाला चोर किसने बोला था? बात बताइए मैडम, आज खुद केजरीवाल ठीक ठीक के ये कह रहा है तीसरी बार बीजेपी सरकार आ रही है, इससे बड़ी क्या बात होगी? कांग्रेस वालों को इनको गठबंधन से बाहर निकाल देती है, ये तो खूब। अरे चक्की पिसिंग किसने बोला था? नरेंद्र मोदी ने बोला था? नहीं बोला? बताइए कि भारतीय जनता पार्टी ने चक्की पिसिंग बोला था या नहीं बोला था, इस बात का जवाब दे नारा टीवी पे बैठकर। छोड़ के छोड़ अपनी चिंता कर लो, अनाज चुनाव बयान टीवी पे बैठ के कुछ भी देने से कुछ नहीं हो जाता। भारतीय जनता पार्टी देश के रक्षा सौदे में खाने वाली बंगारू लक्ष्मण की पार्टी है। मैडम पूछिए इनसे, अरे जमाने जब की कहानी सुनाने लगूंगा तुम्हारे कान से आंसू बहने लगेंगे। मैं आपको बता देता हूँ, जमानत जब की पार्टी की आपको बताऊं भारतीय जनता पार्टी वालों को। चलिए लेकिन उस पर से बात कीजिए ना, अभी नेहरा जी ने कहा कि प्रधानमंत्री युवा है, बीजेपी ये कह रही प्रधानमंत्री युवा है, अभी वो 24 घंटे काम कर रहे हैं। मैडम जी मुझे एक बात बता दीजिए, भारतीय जनता पार्टी की आज तक कोई भी बात इनकी धरातल पे साबित हुई है? ये तो कल को ये कह देंगे नरेंद्र मोदी का जन्म ही आज हुआ है, इनके कहने पे क्या जाता है? ये तो 15 लाख रुपए हर खाते में डालने वाले थे, नरेंद्र मोदी के दोस्त अमित शाह ने बोला कि वो तो जुमला था। नरेंद्र मोदी के 15 लाख मोदी सरकार बनेगी तो कभी समझ में नहीं आ रहा क्या? ये 15 लाख के बोले को अमित शाह जी ने तुरंत बताया या नहीं बताया? एसटीबी हरियाणा पे नेहरा जी इस बात का स्पष्टीकरण दें, करोड़ रोजगार की बात करें, कितने करोड़ रोजगार की बात करें, जवाब नेहरा जी स्मार्ट सिटी की बात करें, नेहरा जी एक मिनट, नेहरा जी टीवी पे नेहरा जी ठीक है, नेहरा जी लेकिन देश को गुमराह नहीं कर सकते। अरे अब तो मोदी हार जाएगा आपके पास, चुनाव लड़ लो, चुनाव तो लड़ लो, गठबंधन इस पर इंडिया अलायंस क्यों जता रहा है आपत्ति बार बार? चुनाव मैडम देखिए, मुझे आप ये बताइए, केजरीवाल को खुद मान रहा हमारी तीसरी बार सरकार बन रही है, तो केजरीवाल को विश्वास नहीं है कांग्रेस को? केजरीवाल ने मान लिया हमारी सरकार। ठीक है ठीक है, बजरंग जी क्या कुछ कह रहे हैं आप? एक बात पूछ लीजिए, अजीत पवार चक्की पीसी और नॉट पीसी? ठीक है बजरंग जी, हाँ एक मिनट बजरंग जी। अरे केजरीवाल तीसरा चक्की तो भैया, अरे पता चल जाएगा करने वाले मेरा जी। अगर देखिए आप बात सुन लीजिए, जो सवाल जो उठा रहे हैं टीवी पे बैठ के केजरीवाल की ईमानदारी पे सवाल उठाते हैं। देखिए सुमित जी, कोर्ट पर तो भरोसा करना पड़ेगा, अभी 1 जून तक के लिए बाहर है, कोर्ट पर तो भरोसा करना पड़ेगा, कोर्ट जो जस्टिस देगा उस पर तो भरोसा करना पड़ेगा सुमित जी। सर्वोच्च न्यायपालिका में हम लोग भरोसा करते हैं, और हम तो एक बात कहते हैं, ईश्वर के यहाँ देर है लेकिन अंधेर नहीं है। ठीक है बजरंग जी, अपनी बात रखें सर। ठीक है सुमित जी प्लीज, नेहरा जी प्लीज, नेहरा जी प्लीज। अरे चोरों के साथ समझौता किया, अजीत पवार, हेमंत विश्व शर्मा, नवीन जिंदल, कितने नाम गिनवाऊं मैं आपको? ये तो अभी 25 को वोटिंग होगी, उसके बाद पता चल जाएगा, 4 तारीख को परिणाम भी आ जाएंगे। हाँ मैडम आप मुझे बताइए, केजरीवाल को सुप्रीम कोर्ट में क्या सस्पेंडेड सीएम आप? ठीक है बजरंग जी कुछ कह रहे हैं, मेरा जी प्लीज शांत हो जाइए, मेरा जी प्लीज, मेरा जी प्लीज सुन लीजिए सर, आप नहीं मत। ठीक है बजरंग जी बोलिए, मैडम सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा? नेहरा जी आपकी बात, आप जवाब सुन लीजिए ना कांग्रेस का इस पर, आप नेहरा जी जवाब तो सुनिए कांग्रेस का, जवाब कैसे नहीं सुन रहे आप? जवाब सुन लीजिए ठीक है, मैं 10 सेकंड में कंप्लीट कर रहा हूँ। सुप्रीम कोर्ट ने सस्पेंडेड सीएम कर दिया केजरीवाल को, ठीक है ठीक है, हाँ ठीक है, इस पर जवाब लेंगे आप। हाँ ठीक है, नेहरा जी बने रहिए हमारे साथ। ठीक है बजरंग जी, आपकी याचिका सुनने से मना कर दिया, उल्टा तुम्हारे तुम्हारे आश्रम में 50 साल का जुर्माना लगाया था कि आप इस तरह के अनाथ बच्चा। अरे टीवी पे बैठ के आप प्रवक्ता पद
तो बचा लो, लेकिन इस तरह के सामने जाओ केजरीवाल के डिबेट में नजर आए थे कल। ठीक है नेहरा जी, सुमित जी प्लीज म्यूट मत, आप लोग प्लीज शांत हो जाइए। ठीक है बजरंग जी अपनी बात रखिए, दोनों ठीक है बजरंग जी अपनी बात रखिए। भारतीय जनता भारतीय जनता पार्टी जो है झूठ और लूट और जुमले की सरकार है। इन्होंने कहा था 2019 में, अब की बार 75 पार 40 बैठक के, ई मोदी जी ने नारा दिया अब की बार 400 पार, 150 से ऊपर ये पार होने वाले नहीं। मैं बताना चाहता हूं ये सिर्फ मतलब झूठी घोषणाएं झूठे वादे। पूरा चुनाव देख लो, पूरे चुनाव के अंदर मोदी जी का अमित जी का भाषण सुन लो, कहीं भी मुद्दे की बात नहीं। जहां भी है जिस स्टेट में गए, बंगाल में गए, यूपी में गए, हर जगह दंगे भड़काने के सिवाय, जातिगत बात करने के सिवाय, भाई को भाई से लड़ाने के सिवाय कोई बात नहीं। एक कहते हैं हम भ्रष्टाचारी को भीतर करेंगे, कोई बात नहीं लड़ने। और सबसे ज्यादा भ्रष्टाचारी तो आप लोग हो, सारे देश का पैसा आपने लूट लिया, सारे देश का पैसा आप चाट गए। आप कहते थे काला धन लेके आएंगे, काला धन लाने के बजाय काला धन वालों से आपने करोड़ों अरबों रुपए चंदे के नाम पर एड लिए। आपने 30 बड़ी बड़ी कंपनियों के ईडी के सीबीआई के छापे मरवाए, उन्हीं से ही 5 दिन बाद 10 दिन बाद पैसे चंदा लेकर उनको क्लीन चिट उन्होंने दे दी। हालात तो इनके ये है, लेकिन कहीं ना कहीं तो बीजेपी ने ये साफ कर दिया है कि अगले प्रधानमंत्री मोदी ही होंगे। अमित शाह ने भी खुले मंच पर कह दिया है कि अगले प्रधानमंत्री मोदी ही होंगे। और जब तक ये जो अभी जो राजश्री यही कह जाता हूँ, मुंगेरी लाल के सपने देखना। चलिए तो वक्त ही बताएगा। बहुत बहुत शुक्रिया विजेंद्र जी जुड़ने के लिए, बजरंग जी आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया, सुमित जी आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद जुड़ने के लिए।